हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग में। और आज हम थोड़ा सा मच्छियों को दाना खिलाने आए थे, तो आप देख सकते हैं। और ये पास में ही ये सिंहवासे का तालाब है और ये किराने की दुकान है। और ये बब्बा हैं, इनसे हमने सामान लिया है। तो ब्रेड पैकेट तो इनके पास नहीं मिला, तो हमने कुछ और लिया है मच्छियों के लिए। और यहाँ थोड़ा सा मौसम सुहाना हो रहा है और बारिश का मौसम है, तो इसलिए मैंने जो मोबाइल लिया है उसका भी थोड़ा सा वो हो जाएगा कि ये कैसी सेफ्टी है इसकी। वाटरप्रूफ मोबाइल है और ये देख सकते हैं आप व्यू। तो दोस्तों बताइए आप, तो चलते हैं हम। चलो, ये थोड़ा सा पानी आ रहा है दोस्तों, तो देख लीजिए। ये पास में ही सिंहवासे का तालाब है और यहाँ आए थे हम। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आपके, सॉरी आपका, हमारे ब्लॉग में। और आज हम ये सिंहवासे का तालाब आपको दिखाने के लिए आए हैं। और ये हमारी गुना सिटी से 2 किलोमीटर दूर है और बहुत बढ़िया तालाब है। यहाँ पे मूर्ति वगैरह विसर्जन होती हैं और काफ़ी मच्छियाँ हैं, तो थोड़ा सा मच्छियों को दाना खिलाने के लिए आए थे हम। तो हमने सोचा कि एक ब्लॉग बनाया जाए। वो नहीं मार रही, तो ये गाय माता है जो मार रही है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वो नहीं मार रही। तो दोस्तों देख लीजिए, ये बहुत ही बढ़िया व्यू जो हम आपको दिखा रहे हैं। हाँ, यहाँ पे हाँ यहीं। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ मच्छियों को दाना खिलाने के लिए आए थे। और डाल लो, तो देख सकते हैं आप, मच्छियों को दाना खिला रही है हमारी बीवी। और थोड़े बहुत पुण्य के काम करना चाहिए, तो वही हम करने के लिए आए थे। और ये देख लीजिए एकदम सुंदर नज़ारा, ये बहुत बढ़िया तालाब है सिंहवासे का। और ये हमारी गुना सिटी से 2 किलोमीटर दूर है और सारे मूर्ति विसर्जन यहीं होती हैं। और बहुत बढ़िया, और हजारों मच्छियाँ हैं इसमें, पर यहाँ मच्छी कोई पकड़ता नहीं है। तो दोस्तों हमारे ब्लॉग को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और आप कुछ कहना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस दाना खिला रहा है मच्छी को। तो देख लीजिए आप, मच्छियों को दाना खिला रही है हमारी बीवी। ठीक है दोस्तों, तो मिलता हूँ मैं अगले ब्लॉग में। आप मेरे चैनल को आगे बढ़ाइए। तो ये देख लीजिए हमारे